भाई मैं अपने महाराष्ट्रन भाइयों से यही कहना चाहता हूं, हेलो जी नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा जी भाई मटन साहू जी। भाई अगर मैं गलत प्रोनाउंस कराऊंगा तो भाई रियली सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई कढ़ाई लगा दी निक्की जी, इसमें डालते हैं जी थोड़ा सा तेल, भाई ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका हल्का फुल्का गर्म होने का वेट तो कर लो। तो जी तेल हल्का फुल्का गर्म हो गया, इसे अब लो फ्लेम पे लेके आओ, ठीक है। इसमें डालो जी 1.5 चम्मच भाई साबुत धनिया, 2 टीस्पून भाई कच्चे चावल भाई, 1 टेबलस्पून रोस्टेड चने भाई, 2 चम्मच भाई सेसमे सीड्स यानी कि तेल। तो जी इन सबको मार्केट में लेके आओ, हाई फ्लेम कर लो और इसे थोड़ा भून लो, ठीक है जी, जब तक हल्की हल्की खुशबू आ रहा है। तो जी टक टक टिक टिक के बाद आना स्टार्ट होगी और खुशबू आना स्टार्ट होगी। ये गैस का फ्लेम फटाफट बंद कर दो क्योंकि जल ना जाए, तो इसे मैं बाहर निकालता हूँ। तो जी मैंने निकाल दिया, अब नेक्स्ट कार्रवाई। कढ़ाई वही सेम रहेगी, थोड़ा तेल पड़ा हुआ है, इसमें डालते हैं जी नारियल, ठीक है जी। तो ये नारियल है कितना ही है, 30-35 ग्राम होगा, ठीक है जी। अब इसको ब्राउन होने तक आप रोस्ट कर लो। तो जी नारियल भी अपने आप ब्राउन होगी जी, इनको भी मैं निकाल बाहर करता हूँ। तो भाई निकाल दिया मैंने, ठीक है जी। अब क्या करना है जी, थोड़ा सा तेल और मिलाओ, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं मिलाना है। तो इसका फिर गर्म होने का वेट कर लिया। तो जी तेल हल्का फुल्का गर्म हो गया जी, अब डालते हैं जी इसमें भाई लाल मिर्चा, बस कितनी है, 6-7 होंगी, 1 जावित्री, 1 चक्रफूल, 2 बड़ी इलायचियां, 3 से 4 लौंग, 1/2 चम्मच भाई काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, 3 छोटी इलायचियां, भाई ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो है भाई, दालचीनी, 3-4 तेज पत्ते, 1.5 चम्मच भाई जीरा साबुत, भाई ये देख रहे हो क्या, फोकस करो भाई, ये नटमेग यानी कि जायफल, ठीक है जी, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डाल दो भाई। ये जी वो मेन मसाला, ठीक है जी, भाई क्या बोलते हैं इसको, स्टोन फ्लावर, हाँ तो डाल दो जी। तो जी मिलाओ जी, गैस का फ्लेम हाई करो जी और इनको रोस्ट करो जी, करीब करीब 40 सेकंड तक के लिए, और जला मत देना यार। तो लो जी ये भी भुन गया, अब इसे भी बाहर निकाल करता हूँ, ठीक है जी, डाल दो जी सारे का सारा। तो जी कढ़ाई में तेल डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसमें डालेंगे जी 1.5 चम्मच भाई सौंफ, ठीक है जी। तो इससे अब थोड़ा सा रोस्ट कर लो आप करीब 30 से 40 सेकंड के लिए, वो जला मत देना यार। तो लो जी ये भी हो गया, ठीक है जी, तो कर दो उसको भी मिक्स सारे का सारा। तो जी इन सब मटेरियल को हमको अब भाई ग्राइंड करने का, इसका पाउडर बनाने का है। तो लो जी मसाला बनके तैयार है, करते नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, कुकर लगा दिया हमने, ठीक है जी। इसमें डाल रहा हूँ जी मैं तेल भाई, कितना भाई 10-12 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं डालना है, ठीक है। ये वही तेल है जिसमें मैंने अपने प्याज को ब्राउन किया था। तो जी तेल जो है वो ठीक ठाक गर्म हो गया जी, इसमें डालेंगे जी अब मटन। भाई जो ये मटन है ये कितना है जी, भाई केवल 1 किलो है, ज्यादा नहीं है, मिला लो। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया, करना क्या जी, करना कुछ नहीं है। इसमें डालेंगे जी हम 1 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, भाई ठीक है। तो जी अब मिला लो, दोबारा से मिला लो। तो जी अब करना क्या है, इसको आप अपने पकने देना जी हाई फ्लेम पे, इस पे ढक्कन रख देना, मतलब प्रेशर नहीं देना, ढक्कन रख देना हल्का सा, ठीक है जी। जो भी पानी इसका निकलेगा उसको हमको एब्जॉर्ब करने का, जितना भी पानी निकलेगा, समझे मेरी बात को आप। तो जी आप देख रहे हो कितना पानी छोड़ा मटन ने, ठीक है जी, इसी को हमको एब्जॉर्ब करने का। मटन हम साथ मिलाएंगे जी भाई जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी, ठीक है जी। तो जी मिलाओ उसको अच्छे से और उसका सारा पानी एब्जॉर्ब कर दो, ठीक है जी। चलो जी पूरे का पूरा पानी ड्राई हो गया जी, अब करते हैं नेक्स्ट कार्रवाई। नेक्स्ट कार्रवाई क्या रहेगी बताता हूँ। तो भाई सो सॉरी भाई, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसमें मैंने 2 चम्मच भाई लाल मिर्च का पाउडर डाला हुआ, ठीक है सॉरी। तो जी मिला दो इसको। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया मिर्चों को भाई, अब इसमें डालेंगे जी हम वो साउथ जी मसाला, डाल दो जी सारे का सारा। तो जी मिला लो चंगी तरह से भाई, थोड़ा पानी ऐड कर लो, हाई फ्लेम करो और इसे पकाओ करीब 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, जब तक कि पानी जो है ना एब्जॉर्ब हो जाए, तेल आ चुका है ऊपर, ठीक है जी। इसमें डालेंगे जी ये भाई, फोकस करो ना भाई। भाई ये जी फ्राइड प्याज जो मैंने ग्राइंड करके रख दिया हुआ है। तो जी मिला लो। तो जी फिर से इसको आप चंगे से भाई मिक्स मुक्स कर लो। तो जी मिक्स मुक्स कर दिया, थोड़ा पानी मिला लो और अब इसे आप करीब 5 मिनट के लिए भाई भुनेंगे, ठीक है जी, हाई फ्लेम पे। तो जी 5 मिनट हो गए जी इसको पकते हुए, अब करना क्या जी, करना कुछ नहीं है, इसमें डालेंगे जी 2.5 गिलास पानी। तो जी कुछ कुछ ना इसको भी ढालो, मिला लो। तो जी मिला मुलू दिया, अब करना क्या जी, ढक्कन बंद कर दो और मीट के गलने तक आप वेट करो। भाई मैं तो 4 सीटियां दूंगा फुल पे, बाकी 10 मिनट रखूंगा लो फ्लेम पे। तो दोस्तों भाई प्रेशर निकल गया जी, चेक करते हैं।
भाई गला या नो गला, भाई देखो यार मखना मखन। तो लो जी बनके तैयार करते हैं टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गया जी अपना भाई मटन साउ जी। भाई अगर गलत प्रोनाउंस कराऊंगा तो रियली रियली सॉरी भाई मटन साउ जी। भाई मटन साउ जी खाने से पहले भाई आप सबको भाई ढेर सारा थैंक्स 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 और ढेर सारा प्यार आप सबको। भाई आपके इतने खूबसूरत कमेंट और इतना सपोर्ट देख के मैं यार अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, आप क्या ही बोल सकता हूँ मैं ना है? तो भाई कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाया, क्यों भाई कमेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे और अगर देता भी तो क्या ही लिखता यार, क्योंकि ऐसे कमेंट थे कि वो लिख के यार समझ गए मेरी बात को आप। भाई बहुत धन्यवाद आपका यार है। भाई अब देखो यार देखो भाई देखो देखो ये देख रहे हो भाई, अब इसकी पहले ग्रेवी चेक कर लो हाँ, पीस पुस देख ही लेंगे ना हम। भाई ग्रेवी देखो, ग्रेवी कैसी है हाँ, खूबसूरत है या नहीं है देखो हाँ, अजीब वो ग्रेवी ग्रेवी इसकी एकदम डिफरेंट डिफरेंट। और फिर पीस देख लो, पीस और देखो ये पीस, ये देखो पीस हाँ कितना खूबसूरत लग रहा है। और भाई साथ में और क्या लिया जी, साथ में लिया है जी खाली कटोरा जो जिस काम आएगा देख लेंगे। भाई ये है जी दही मोटा मोटा, इसमें डाला जी पुदीना नमक ओनली और कुछ नहीं हाँ। भाई मुद्दा ये है कि अब ये इसका टेस्ट कैसा होएगा हाँ है। भाई देखो देखो ये इसकी कंडीशन है, अब भाई इज्जत से हमारे प्लेट में ये देखो जी, अब मैं आपको इसका टेक्चर दिखाएगा इज्जत से। भाई देखो बल्कि हाथ लगा के मालूम पड़ता कि कुछ उठा रहा हूँ यार क्या बोलते रहता हूँ मैं। भाई देखो भाई फोकस फोकस हाँ, भाई ये मसाला देखो पूरा पिस गया हुआ है हाँ, कुछ भी हाथ में नहीं आ रहा है। अब मुद्दा कैसे टेस्ट कैसा होएगा, हाँ भाई ओह सबसे पहले जो क्लिक करेगा ना वो क्लिक ये करेगा भाई बहुत ही तीखा है, बहुत ज्यादा तीखा है। भाई मैं आपको और बताएगा वो इसमें जो सबसे हावी चीज है ना, हावी चीज मालूम क्या है, वो है तिल सेसमे। उसका फ्लेवर इतना स्ट्रांग है ना, क्यों, क्योंकि सेसमे भी ऑयल रिलीज करता है भाई, जो उसको हमने रोस्ट किया ना उससे वो ऑयल रिलीज हुआ और उसमें मिक्सअप हो गया। भाई बहुत ही डेंजर फ्लेवर आ रहा है जिस सेसमे का। बाकी नारियल नूरियल तो है ही है हाँ, उसका फ्लेवर भी जो भुना हुआ फ्लेवर आ रहा है बहुत स्ट्रांग आ रहा है। बाकी आप किसी को और महसूस नहीं करोगे, किसी दालचीनी को नहीं, बड़ी इलायची को नहीं, किसी को भी नहीं आप महसूस करोगे, क्योंकि इनका फ्लेवर इतना डोमिनेटिंग है, अंग्रेजी बोल दिया आज भाई। तो मुद्दा यह है कि आप इसका जो पीस पूस है जी वो खाने में कैसा होएगा। हाँ भाई हाँ भाई राइफल वाला पीस आ गया इज्जत से। भाई देखो ये स्थिति है हाँ, किसकी मटन की हाँ, निक्के निक्के पीस। तो भाई क्या काट कूट के नहीं खाना इसको, इसी पे लपेट के बैठना यार, बैठना दे बैठना, ऐसे ही खाना। भाई जब मैंने बाइट ली किसकी मटन की, भाई सबसे पहले क्लिक किया हुआ मालूम है वही ग्रेवी मसाला का फ्लेवर और मटन का फ्लेवर जब मिक्स होकर कंबाइन होकर आपके मुंह पे आपको स्वाद देना स्टार्ट हो गया। अब क्या क्या बोला मैं समझ नहीं पाया भाई, वो बहुत ही गजब आया भाई, जाबरा जाबरा 9.5 रियली 9.5 भाई, महाराष्ट्र के सब भाइयों को बहनों को भाई ढेर सारा प्यार। भाई मैं एक पहले क्लियर कर दूं कि ये अथेंटिक तो है नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, बट हमने कोशिश की है कि हाँ उसके आसपास कहीं हम इसे बना सके। अथेंटिसिटी तो भाई वही मिलेगी ना यार अपनी महाराष्ट्र की माओं से बहनों से है ना, समझे मेरी बात को। आओ भाई अब भाई इसका राइफल तो निकाले पहले, बाद में खाएंगे पीस पूस। राइफल निकाल बेटे निकल गया, ओए ओए नहीं निकला, छींटे पड़ रही हैं यार। अरे क्या है फ्रीज हो गया रे बाबा, फ्रीज हो गया। आओ भाई रोस्टेड हो भाई, देखो मैं कहा स्पाइसेस बहुत स्ट्रांग है जो गले में लग रहे हैं भाई, रोस्टेड मसाले का जो फ्लेवर है ना वो खतरनाक है, खतरनाक। इवन अबे जो ब्राउन प्याज हमने पेस्ट बना के डाला था ना, अब उसे भी महसूस नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, केवल मसाले साउजी मसाले को ही आप महसूस करोगे और किसी चीज़ को नहीं। अब मुद्दा ये है भाई किंग के साथ इसका क्या टेस्ट आने वाला है, अब किंग को लेके आते हैं इज्जत से। तो जी किंग की एंट्री हो गई है, देखो भाई किंग आज बहुत ही ज्यादा खिला हुआ लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। देखो 1 2 3 4 कितना प्रॉपरली हुआ है, देखो
अलग अलग दाना, वापिस आओ इज्जत से। भाई मुद्दा ये है भाई, इसकी ग्रेवी, अब कहाँ भाग रहे हो यार, आओ ना यार, आओ आओ सारे आओ। अरे वाह भाई वाह, देखो 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 देखो, कौन बैठा कौन बैठा, कलेजी। ये भाई ने मेरे को बोला भाई चुंगा मुंगा खा ले भाई, हाँ चुंगा मुंगा कलेजी। लेकिन ना वहाँ कमाल गया है, कलेजी में एक पैसे का फ्लेवर नहीं, साउजी मसाले का एक पैसे का फ्लेवर नहीं जी, सिर्फ कलेजी का फ्लेवर, कमाल है जी कमाल है। भाई देखो जी, ये है जी स्थिति इसकी। भाई बट ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको भाई, ये रेसिपी गर्मियों में खाने लायक रेसिपी नहीं है, बहुत गर्म बहुत गर्म। ये रेसिपी है तब जब कभी बर्फ पड़ी हो ठंडी ठंडी। ओ भाई पहली वाइड यार, पहली वाइड। कितना स्ट्रांग फ्लेवर, किंग के साथ केमिकल रिएक्शन करने पे कितना स्ट्रांग फ्लेवर हर एक मसाले का, हर एक मसाले का नहीं, साउजी मसाले का। मैं मसाला तो भाई ये यार, भाई गजब है यार, देखो फिर मेरे गले पे लग रहा है मसाला, इतना स्ट्रांग है कि गले पे लग रहा है यार। आप खुद मैचिंग करो कि मसाला कैसा होगा। भैया कोई पीस पूछो सेट कर दे इसके अंदर, बैठना यार। यार मैं ये कह रहा था पीस रख के कितना फ्लेवर आया यार, क्योंकि चुई करने पे जो मटन के अंदर जो फ्लेवर गया हुआ है इस ग्रेवी का, वो रिलीज हो रहा था और क्या फ्लेवर दे रहा था यार, मजा आ गया। तो ये थोड़ी ग्रेवी इसकी और लेंगे यार। भैया यार इवन मैं ये कह रहा हूं अदरक लहसुन का फ्लेवर भी आप महसूस नहीं करोगे, साउजी मसाला इतना स्ट्रांग है। और मैंने सुना हुआ है कि साउजी मसाले में आई थिंक प्याज को भुना जाता है जी चूल्हे पे अलग से, फिर से रोस्ट किया जाता, सॉरी रोस्ट नहीं ग्राइंड किया जाता है, मुझे नहीं मालूम, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ यार। तो आ भाई भाई दही दही खाता है, अब भाई इसका क्या करना, हटो साइड बैठे यार, जा साइड पे। और ठंड पै गई, दही पुदीने से ठंड पै गई। भाई मैं अपने महाराष्ट्र भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बनाया हुआ है, मुझे मालूम है कि ऑथेंटिक तो नहीं होगा ना, बट आप मुझे बताना कि आप किस तरह से बनाते हो घर पे, क्या क्या चीज़ें रहती हैं इसमें और जो मिस हो गई हूँ, है ना, है तो बाकी है तो भाई जाबरा जो मर्जी बोला, जब ये जाबरा तो वो क्या होगा, जबरानजा जो आप बना के खिलाओगे मेरे को जब मैं आऊँगा आपके पास। तो दोस्तों भाई ये था जी भाई काटना पे मटन साउजी, भाई बहुत ज़्यादा स्वाद आया, बहुत मज़ा आया। तो आप ये जरूर ट्राई करना, ठीक है, मुझे बताना कैसा लगा और कैसा बना। तो नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय।